दोस्तों, बाजार से हम यह सोचकर ब्राउन ब्रेड लेकर आते हैं कि ये तो गेहूं का बना है, लेकिन हकीकत तो यही है कि बाजार वाला जो ब्राउन ब्रेड होता है ना, उसमें मैदा भी पड़ा होता है। तो आप सबकी रिक्वेस्ट पर आज मैं आपको सिखाऊंगी कि घर पर 100% गेहूं के आटे से बाजार जैसा ब्रेड कैसे बनाया जाता है। और हाँ, ज़रूरी नहीं कि ब्रेड बनाने के लिए आपको ओवन ही चाहिए, आप ओवन में भी बना सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको कढ़ाई में आसान तरीके से ब्रेड बनाना सिखाऊंगी। क्योंकि मैंने पहले जो रेसिपी डाली थी ब्रेड की, उसमें बहुत से कमेंट आए कि मैम आप हमें कढ़ाई में भी बनाना सिखाएं। तो चलिए फिर फटाफट से रेसिपी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ब्रेड बनाने के लिए मैंने 300 ग्राम लिया है गेहूं का आटा, और आटे को मैंने बारीक वाली छननी से छान लिया है। ये देखिए, इस तरह की बारीक छननी होती है, उससे आप भी छान लीजिएगा, क्योंकि जितना बारीक आपका आटा होगा ना, उतनी ही बढ़िया ब्रेड बनेगी। और 300 ग्राम आटे के हिसाब से सारी सामग्री मैं आपको दे रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कीजिएगा। तो ये देखिए, 2 बड़े चम्मच मैंने लिए मिल्क पाउडर के, 2 बड़े चम्मच मैंने लिए ऑलिव ऑयल के। आप कोई और तेल भी ले सकते हैं, बस खुशबूदार नहीं होना चाहिए और सरसों का तेल भी ना हो। और ये देखिए, 1 छोटा चम्मच मैंने लिया है चीनी का, बहुत ज़्यादा भरा हुआ नहीं है, क्योंकि हमने लिया है मिल्क पाउडर, तो इसमें भी मीठा होता है, लेकिन ब्रेड में हम डालेंगे ईस्ट, तो ईस्ट को उठाने के लिए चीनी ज़रूरी है, इसलिए 1 छोटा चम्मच आपको चीनी का लेना है। और 1/4 छोटा चम्मच आपको लेना है नमक का, बहुत ज़्यादा नमक मत लीजिएगा, ये देख सकते हैं आप, थोड़ा सा ही मैंने नमक लिया है। बस इतनी सी सामग्री चाहिए, बस पानी की ज़रूरत है, तो पानी मैंने यहाँ 1 गिलास लिया है और हल्का गुनगुना पानी है। तो सबसे पहले हम आटा तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने आटा डाल लिया, और ये है इंस्टेंट ईस्ट, बिल्कुल बारीक दाने इसके होते हैं, मोटे दाने वाला भी ईस्ट होता है, तो उसे पहले उठाना पड़ता है पानी में डालकर। अब 8 ग्राम मैंने डाल दिया इंस्टेंट ईस्ट, और साथ में डाल लीजिए चीनी, और जितनी भी सामग्री ली है ना, सब इसमें मिक्स कर लेनी है। ये देखिए, चीनी डाल दी, अब इसमें डाल लीजिए मिल्क पाउडर और नमक, बस अच्छी तरह से इसको आप मिक्स कर लीजिए। दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त आपका ब्रेड बनेगा, आप पूरे स्टेप को फॉलो कीजिएगा। और हाँ, जो आटा है उस पर पूरा ध्यान दीजिएगा, किस तरह का आटा बनाना है। तो ये लीजिए, हल्का गुनगुना पानी मैंने लिया है, आप जब भी ब्रेड का आटा तैयार करें ना, हल्का गुनगुना पानी ही लीजिएगा। और जो डो है वो टाइट नहीं होना चाहिए, जिस तरह से आप रोटी बनाते हैं वैसा डो भी नहीं लेना है आपको, इसका थोड़ा लूज आटा बनाना पड़ता है। और हाँ, पानी जो है आटे के हिसाब से कई बार कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मैंने 1 गिलास लिया है, तो ये पूरा गिलास इसमें एडजस्ट हो जाएगा। और ये देखिए, आप आटे को देखिए किस तरह से सॉफ्ट, एकदम ढीला आटा है, हाथों से भी चिपक रहा है, ये देख सकते हैं आप। अब जब आपको लगे कि आटा थोड़ा इकट्ठा हो गया और हाथों से चिपक रहा है, तब आप क्या कीजिए, जो आपने लिया है ना तेल, उस तेल को हाथ में लगाइए, आटे पर लगाइए, और फिर आटे को गूंद लीजिए। ये देखिए, इस स्टेज पर लेना है। अगर हम पहले ही डाल देते तेल, तो फिर अब हमें दिक्कत आनी थी, इसलिए आप थोड़ा थोड़ा तेल यूज़ कीजिए और आटे को अच्छी तरह से गूंद लीजिए 8 से 10 मिनट के लिए। अगर आटा जो है टाइट होगा ना, तो आपका ब्रेड फ्लफी नहीं बनेगा, इस बात का प्लीज़ ध्यान रखिएगा। और व्हाइट ब्रेड की पहले मैंने रेसिपी आपके साथ शेयर की है, आप लोगों ने पसंद भी किया, तो उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। और अगर आपने नहीं देखी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। ये देखिए, बढ़िया सा सॉफ्ट आटा हमारा तैयार हुआ है, जितना तेल हमने लिया है ना, वो सारा इसमें एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके। अब आपको क्या करना है, जब सारा तेल एडजस्ट हो जाए, तो इस तरह से देखिए, अंदर से बाहर की ओर आटे को इकट्ठे करना है, ठीक है। अब आपको लेना है मोल्ड, तो जिस भी मोल्ड में आपको ब्रेड बनाना है ना, वो ले लीजिए। तो तेल से इसे आपको अच्छी तरह से ग्रीस करना है चारों साइड से, इसमें आपको कोई भी बटर पेपर या फॉइल पेपर लगाने की जरूरत नहीं है। और हाँ, अगर आपके टिन में ढक्कन है, देखिए इस तरह का, तो ढक्कन को भी आप ग्रीस कर लीजिएगा। तो देखिए, तैयारी हमारी सारी हो गई, बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत भी नहीं है, बहुत कम मेहनत में बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है, बस वीडियो को पूरा देखिए। अब आटे को हम फर्मेंटेशन के लिए रखेंगे, लेकिन ऐसे नहीं रखेंगे, पहले इसे हम शेप देंगे। तो उसके लिए आप वर्किंग एरिया पर थोड़ा सा मैदा या आटा जो है फैला लीजिए, क्योंकि आटा हमारा चिपचिपा है ना, नहीं तो क्या होगा, चिपक जाएगा।
जब हम इसे फैलाएंगे तो आप चाहें तो नीचे तेल भी लगा सकते हैं, लेकिन तेल पहले भी डाला है इसलिए मैंने यहाँ आटा ही फैलाया है। तो बस इसे आप मोल्ड के हिसाब से फैला लीजिए और ये देखिए इस तरह से रोल कर लीजिए, रोल कीजिए फिर इसको दबाइए, रोल कीजिए फिर दबाइए, ठीक है। इसमें हवा नहीं जानी चाहिए, टाइट रोल आपका बनना चाहिए। दोनों साइड से भी अच्छे से बंद कर लीजिए कोनों को और इस तरह से इसका रोल थोड़ा सा घुमा लीजिए अच्छे से, जिससे जो एयर होगी ना वो निकल जाएगी। अब मोल्ड के अंदर डाल लीजिए और हाथों में थोड़ा सा तेल लगाइए, फिर इसे आप चारों साइड से अच्छे से बिठा लीजिए। अच्छी तरह से बिठाएंगे ना तो अगर इसमें एयर होगी तो वो भी निकल जाएगी। ब्रेड को और हेल्दी बनाने के लिए आप मेरी तरह मल्टी ग्रेन इस पर लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ लगा रही हूँ सफ़ेद तिल, साथ में हम अलसी भी लगाएंगे और पम्पकिन सीड्स भी लगाएंगे। तो आप यूँ समझ लीजिए कि ये जो ब्राउन ब्रेड है ना, मल्टी ग्रेन ब्रेड ही आपका बन रहा है, ये देखिए। और फ्रेंड्स मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और मुझे सपोर्ट दीजिएगा। अब देख सकते हैं आप, हमारा जो आटा है ना टिन के आधा ही है। आधा इसलिए रखा है क्योंकि ये राइज होगा, ऊपर को उठेगा, तो इसलिए आपको बहुत भरकर नहीं रखना है, ठीक है। अब अगर आपके पास ढक्कन है तो ढक्कन से ढक लीजिए, नहीं तो ढक्कन सबके पास देखिए नहीं होता, तो मैं क्लिंग रैप से इसे रैप कर रही हूँ। वैसे भी क्लिंग रैप से क्या है ना, हवा बिल्कुल भी अंदर नहीं जाएगी, फर्मेंटेशन जो है वो बहुत अच्छे से होगी और ट्रांसपेरेंट होने के कारण आप देख भी सकेंगे कि ये अच्छे से फर्मेंटेशन इसमें हुई है या नहीं। तो इसे आप एक घंटे के लिए या तब तक गर्म जगह पर रखिएगा जब तक ये साइज में डबल ना हो जाए। तो ये देखिए इस तरह से आप कपड़े से ढककर इसको रख लीजिए, अच्छी तरह से रैप कर लीजिए। डायरेक्ट मार्बल के ऊपर नहीं रखना है क्योंकि वो ठंडा होता है ना, इसलिए। अब क्योंकि हम कढ़ाई में बना रहे हैं तो कढ़ाई में बनाने के लिए आपको लेना है नमक। ये देखिए आधी कटोरी मैंने नमक की ली है। थोड़ा सा नमक का कलर चेंज इसलिए है क्योंकि इसे मैंने पहले भी यूज़ किया है। नमक को हल्का सा फैला लीजिए, ज़्यादा नहीं फैलाना है, थोड़ी मोटी लेयर नमक की होनी चाहिए। अब नमक के ऊपर आप रख लीजिए कोई भी प्लेट या इस तरह की, देखिए जालीदार प्लेट हो तो बहुत बढ़िया है क्योंकि जाली से भी क्या है ना हीट अच्छी ऊपर को आएगी। और इस तरह का स्टैंड भी रख सकते हैं। ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो आप कोई पतली प्लेट लीजिएगा, मोटी प्लेट नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और हाँ, जो आपने कढ़ाई ली है ना वो मोटे तले वाली हो तो बहुत बढ़िया है। बस ढक लीजिए और लो फ्लेम पर इसे आप 10 मिनट के लिए हीट कर लीजिए। और ये देखिए ढक्कन को मैंने अच्छे से बंद किया है, यहाँ थोड़ा सा होल होता है ना, उससे स्टीम निकल जाती है, तो स्टीम इसमें से नहीं निकलनी चाहिए। तो 10 मिनट लो फ्लेम पर इसे प्री हीट करना है। और अगर आप ओवन में बनाना चाहते हैं तो ओवन को भी आप 10 मिनट पहले 180 डिग्री पर प्री हीट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये देखिए एक घंटे के बाद हमारा जो आटा है, देख सकते हैं आप, काफ़ी फ्लफी हो गया है, ऊपर तक उठ गया है, लेकिन थोड़ी सी जगह अभी है, तो इतनी जगह होनी चाहिए अगर आप इस पर ढक्कन लगा रहे हैं तब। अगर ढक्कन नहीं है तो थोड़ा ऊपर भी उठ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बस अब आप गर्म कढ़ाई के अंदर मोल्ड को रख लीजिए। कढ़ाई क्योंकि चारों साइड से गर्म है तो ध्यान से रखिएगा, ऐसा ना हो आपके हाथ वगैरह जल जाए। अब क्योंकि हमने ढक्कन खोला ना तो इसकी स्टीम थोड़ी निकल गई, तो ढक कर आपको एक आधा मिनट हाई फ्लेम कर लेनी है। उसके बाद मीडियम फ्लेम पर कम से कम 40 से 50 मिनट तक इसको बेक करना है। 40 मिनट से पहले तो खोलिएगा नहीं, अगर खोल दिया तो फिर ब्रेड में कलर नहीं आएगा, ब्रेड कच्चा रह जाएगा। और ये देखिए मैं 50 मिनट के बाद इसे खोल रही हूँ और नाइफ से इसे हटा रही हूँ क्योंकि ढक्कन जो है बहुत गर्म है। तो ये देखिए कलर बहुत प्यारा आ गया है, अब हमें इसे टूथपिक से भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए कलर कई बार आटे पर भी डिपेंड करता है, कई बार लाइट कलर भी थोड़ा रह जाता है, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, 50 मिनट में तो बहुत बढ़िया से पक जाएगा, बेक हो जाएगा। अब इसे हम उठा लेंगे और ढक्कन को निकाल देंगे। वाओ, आप खुद देख सकते हैं कितना प्यारा हमारा आटे का ब्रेड बना है। अब ऊपर से मैं लगा रही हूँ बटर, अगर आपके पास बटर नहीं है तो घी या तेल भी लगा सकते हैं। क्या होगा ना कि जब ये ठंडा होगा तो ऊपर से फिर सूख जाएगा, इसलिए बटर या घी लगाना ज़रूरी है। अब कपड़े से इसे थोड़ी देर ढक कर रख लीजिएगा, थोड़ा ठंडा होगा फिर हम इसे डीमोल्ड करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की रेसिपी के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी वाले बटन को भी दबाइएगा। और ये देखिए अब हल्का गर्म है ये, लेकिन इसे हम डीमोल्ड कर लेंगे।
और ये देखिए कितना ज़बरदस्त ये बना है, आसानी से मोल्ड में से निकल गया। अगर ज़्यादा देर मोल्ड में रहेगा ना तो इसमें मॉइस्चर आ जाता है, तो ये देखिए हल्का ये गर्म है तो ये ठंडा अच्छे से हो जाए उसके लिए मैंने जाली के ऊपर रखा है। अगर आपके पास जाली नहीं है तो आप फिर कपड़े के ऊपर रखिएगा, जिससे जो मॉइस्चर है कपड़े में चला जाए। ये देखिए एकदम सॉफ्ट बढ़िया सा ब्राउन ब्रेड हमारा तैयार है। अभी मैं आपको काट कर भी दिखाती हूँ। और हाँ, अगर आप इसे रखना चाहते हैं तो क्लिंग रैप में रैप करके रख लीजिए, या कपड़े के अंदर भी रैप कर सकते हैं। जब आपको खाना हो तब आप इसे काट लीजिए, लेकिन जब गर्म होगा ना तब रैप नहीं करना है, ठीक है। और हाँ, काटना भी इसे नहीं है, जब ये ठंडा हो जाएगा पूरी तरह से तब इसे हम काटेंगे। तो ये देखिए मैं आपको काट कर भी दिखा देती हूँ। ज़बरदस्त हमारा ब्रेड तैयार हुआ है। ये देखिए एकदम जालीदार है, आप खुद देख सकते हैं। इसमें हमने ना तो कोई एक्स्ट्रा ग्लूटेन डाला, ना कोई ब्रेड इम्प्रूवर डाला, और ना ही कलर डाला है। बाजार वाले ब्रेड में कहते हैं कि कलर भी डाला जाता है उसे ब्राउन करने के लिए, और उसमें मैदा भी होता है, लेकिन कितने आसानी से घर पर आप ब्रेड बना सकते हैं। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अब मैं आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।